हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट में ये देखा था कि हमें कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं फॉर गेट एंड आईएएस एंड पीएसयू सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच. ओके, सो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बोला था, ये आपका प्योर थ्योरिकल टॉपिक है. इस पर हम लोग स्टडी करते हैं कि हमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ करने हैं नेटवर्क सर्किट में, लाइक वोल्टेज सोर्स, लाइक करंट सोर्स, लाइक रजिस्टर, लाइक इंडक्टर, लाइक कैपेसिटर. ओके, सो हमें इन सारे एलिमेंट्स का डीपली एनालिसिस करना है. ओके, सो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपका होता है वो आपका बेसिक क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो, जिसमें आपका पूरा नेटवर्क सर्किट सब्जेक्ट डिवाइडेड है, विच इज एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स. ओके, सो एक्टिव एलिमेंट्स आपके क्या हैं? एक्टिव एलिमेंट्स मीन्स वो एलिमेंट्स जो पैसिव एलिमेंट को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं. द एलिमेंट विच इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी, ओके, इज एक्टिव एलिमेंट, लाइक वोल्टेज सोर्स, लाइक करंट सोर्स. ओके, नाउ पैसिव एलिमेंट्स क्या हैं आपके? जो एक्टिव एलिमेंट से एनर्जी लेते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करने में कैपेबल नहीं होते, लाइक रजिस्टर, लाइक इंडक्टर, लाइक कैपेसिटर. ओके, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें हम, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, तो एक्टिव एलिमेंट कौन है? जैसे कि मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, मैं यहां पर एक्टिव हूं. आप लोग उस लेक्चर को रिसीव कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप लोग यहां पर पैसिव एलिमेंट हो. ओके, सो एक्टिव एलिमेंट मीन्स विच इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी, पैसिव मीन्स विच अब्सॉर्ब एनर्जी, दैट्स इट. ओके, सो हमें बेसिकली करना क्या है इस टॉपिक में, हमें स्टार्ट करना है पैसिव एलिमेंट से, और पैसिव एलिमेंट के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, बाकी के जो क्लासिफिकेशन है हमारे वो हम स्टडी करेंगे. ओके, सो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं पैसिव एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा होता है वो होता है आपका रजिस्टर. ओके, यूनिट क्या होती है इसकी? ओम. ओके, सो व्हाट इज रजिस्टर? रजिस्टर तो एक एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? रजिस्टेंस. सो रजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, मीन्स रजिस्टर आपका करंट को फ्लो होने से रोकता है. ओके, इस प्रॉपर्टी को हम लोग रजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं. क्या होता है उसका फॉर्मूला? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. ओके, जहां पर आर क्या है आपका? रजिस्टर, रजिस्टेंस है. ए क्या है आपका? एरिया. एल क्या है आपकी? लेंथ. ओके, सो इस यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? ओम मीटर. ओके, सो रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर. ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें कि रजिस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, तो जो रजिस्टर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका ओम्स लॉ. क्या होता है ये ओम्स लॉ? बहुत स्टूडेंट समझते हैं कि ओम्स लॉ मतलब डायरेक्टली V इज इक्वल टू आई आर, बट ऐसा नहीं है. ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है. ओम्स ने जो लॉ दिया है, उन्होंने दिया है J इज प्रोपोर्शनल टू E. व्हाट इज J? करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी, व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड. सो करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो इफ यू रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, देन J इज इक्वल टू सिग्मा ई. ओके, सो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई का क्या मीनिंग है? यहां पर सिग्मा क्या है आपका? सिग्मा है आपकी कंडक्टिविटी, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब जैसे मैंने बोला सिग्मा प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, सो इसका मतलब क्या है? सिग्मा कॉन्स्टेंट ही होगा, बिल्कुल अंडरस्टूड है हमें. तो यहां पर हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है 11th 12th के फिजिक्स में और ईडीसी सब्जेक्ट बीटेक वगैरह में कि जो सिग्मा, जो कंडक्टिविटी होती है आपकी, वो चाहे कंडक्टर की हो चाहे सेमीकंडक्टर की हो, वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है आपकी? वेरिएबल होती है. ओके, सो यहां पर कंडक्टिविटी या सिग्मा जो है आपका वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. सो ओम्स लॉ आपका कब वैलिड होगा? जब सिग्मा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. और सिग्मा कब कांस्टेंट होगा? जब टेम्परेचर क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा. सो ये कंडीशन जो है ओम्स लॉ की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि
एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ओके, सो ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट. क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ अगर मैं यहां पर बात करूं कि जे जो आपका करंट डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, आई अपॉन ए करंट अपॉन एरिया. कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी, वन अपॉन रजिस्टिविटी. तो लास्ट स्लाइड से हमने रजिस्टिविटी पढ़ा हुआ है, वो क्या होती है, आर ए अपॉन एल. ओके, सो आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, एल अपॉन आर ए. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, जो आप पढ़ोगे ईएमएफटी में, वोल्ट अपॉन लेंथ, वोल्ट अपॉन मीटर. ओके, सो अगर मैं यहां पर देखूं, एल और एल आपका कैंसल हो रहा है, ए और ए आपका कैंसल हो रहा है, तो इक्वेशन क्या बचा आपका, वी इज इक्वल टू आई आर, और यू कैन से वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो हम लोग एक्चुअल में सोचते हैं ओम्स लॉ होता है, और होता है यही ओम्स लॉ है आपका, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. ओके, नाउ यहां पर जो आर है आपका वो क्या होगा, आपका प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. आर जो है आपका कॉन्स्टेंट कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा. तो अगेन चाहे आप इस इक्वेशन की बात करो जो आपका इक्वेशन वन है, और अगर आप इस इक्वेशन की बात करो जो कि आपका इक्वेशन टू है, दोनों ही कंडीशन तभी वैलिड होंगी जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा. ओके, यहां पर जो ये आपका इक्वेशन है, जो इक्वेशन वन है, उसे हम कहते हैं फील्ड थ्योरी ओम्स लॉ, और जो आपका इक्वेशन टू है उसे हम कहते हैं सर्किट थ्योरी ओम्स लॉ. ओके, सो वन इज फील्ड थ्योरी एंड सेकेंड इज सर्किट थ्योरी. जो हमें नेटवर्क थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है सर्किट थ्योरी ओम्स लॉ. ये वाला इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेटवर्क थ्योरी में. ओके, नाउ अगर हम लोग इस इक्वेशन को ध्यान से एनालिसिस करें V इज इक्वल टू आई आर को, तो यहां दो केसेस पॉसिबल हो जाते हैं आपके. केस वन जो है, अगर आपका R जो हो वो जीरो हो, मींस अगर मैं सिंपल सा सर्किट ड्रॉ करूं, R का सिंबल ड्रॉ करूं, तो जो आपका R है वो आपका जीरो है. इसका क्या मीनिंग है कि जो R है आपका वो शॉर्ट सर्किट, मींस देयर इज अ शॉर्ट सर्किट. ये आपकी कंडीशन कहलाती है शॉर्ट सर्किट कंडीशन, जब आपका आर क्या होता है, जीरो. यहां से इक्वेशन वाइज अगर हम देखें तो आर अगर जीरो है तो वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर. तो वी भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो, एंड आई क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी. तो आई क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी. ठीक है, मतलब जब आपका आर जीरो, मतलब आर जब आपका मिनिमम है, तो वोल्टेज डिफरेंस क्या है आपका, मिनिमम, और करंट क्या है आपका, मैक्सिमम. और वैसे भी हमने डेफिनेशन में क्या बोला है रजिस्टर की, कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. अगर रजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है तो करंट तो मैक्सिमम होना ही है, क्योंकि रजिस्टेंस है नहीं तो अपोज कौन करेगा. ठीक है, सो ये जो कंडीशन है आपकी शॉर्ट सर्किट, जब भी ये कंडीशन एप्लीकेबल हो, करंट आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जो वोल्टेज डिफरेंस है वो आपका हमेशा क्या होगा, जीरो होगा. वोल्टेज डिफरेंस क्यों जीरो होगा, मीन्स शॉर्ट सर्किट की जो मीनिंग होती है कि हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे वोल्टेज क्या होता है आपका, सेम होता है. ओके, सो किसी भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो पॉइंट के अगर आप वोल्टेज कैलकुलेट करते हो तो वोल्टेज डिफरेंस हमेशा क्या होता है आपका, जीरो होता है. ओके, क्लियर है यहां तक आप लोगों को? ओके, नाउ जो नेक्स्ट कंडीशन हमारी होती है वो होती है आपकी आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी. ये कंडीशन क्या होती है आपकी, अगर मैं सिंपल फिर से R को ड्रॉ करूं तो R इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब होता है आपका ओपन सर्किट. आप R की जगह क्या बना दोगे, ओपन सर्किट बना दोगे. और अगर मैं इक्वेशन वाइज देखूं अगेन, तो V क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा, और जो आपका करंट है वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा. मीनिंग क्या है आपकी, कि जब भी आपका आर इन्फिनिटी हो, मतलब मैक्सिमम हो, तो वोल्टेज डिफरेंस भी क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा, और करंट क्या हो जाएगी आपकी, मिनिमम हो जाएगी. अगेन क्योंकि आर तो अपोज करता है करंट का, और अगर आर मैक्सिमम है तो करंट को जीरो होना ही है. ठीक है, तो इससे आप लोगों ने क्या सीखा, कि जब भी अगर ओपन सर्किट कंडीशन हो तो करंट ऑलवेज क्या होगी आपकी, जीरो होगी. सेकेंड चीज, ओपन सर्किट के दोनों पॉइंट में जो वोल्टेज होगा वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो इसी कारण आपका वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा ओपन सर्किट में, और वो वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा. ओके, सो ये कंडीशन है आपकी शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की वाया ओम्स लॉ, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के, आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. ओके, नाउ अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में वापस जाऊं, तो जो हमारा इक्वेशन टू है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है,
अगर इसको मैं ध्यान से देखूं या मैं लास्ट इक्वेशन को देखूं, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई वाले को, इक्वेशन जो वन था हमारा, दोनों ही इक्वेशन को देख के हमें एक इक्वेशन की याद आती होगी मैथ्स के, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। अगर आपको ये इक्वेशन याद हो वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाला, तो ये इक्वेशन क्या था आपका, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर ग्राफ बनता है इस इक्वेशन के थ्रू, जहां पर y क्या है, y एक्सिस, x आपका x एक्सिस, और m क्या होती है आपकी स्लोप, कांस्टेंट, कांस्टेंट स्लोप। कांस्टेंट स्लोप का मीनिंग क्या है, स्लोप विल नेवर चेंज। अगर स्लोप आपकी इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग होगी, स्लोप आपकी डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग होगी। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं y, यानी यहां पर क्या हो गया, j सिग्मा क्या हो गया आपका m, x क्या हो गया आपका e, तो y एक्सिस में j पुट करोगे आप, x एक्सिस में e पुट करोगे, और m स्लोप क्या होगी आपकी, सिग्मा होगी। तो अगेन ये इक्वेशन वन, और सिमिलरली जो आपका इक्वेशन टू है, y एक्सिस, i क्या है x एक्सिस, और r क्या है आपकी कांस्टेंट स्लोप, तो दोनों ही आपका लीनियर ग्राफ देंगे आपको। तो अगर मैं लीनियर ग्राफ ड्रॉ करूं तो आपका ग्राफ किस तरह से बनेगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, v दिस इज योर i, और अगर हम लोग लीनियर ग्राफ को ड्रॉ करें तो ये आपका स्लोप r क्या होगी आपकी, कांस्टेंट। यहां पर कांस्टेंट स्लोप का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। कांस्टेंट स्लोप की मीनिंग क्या है कि अगर स्लोप आपकी, जैसे देखिए यहां इंक्रीजिंग है तो ये इंक्रीजिंग ही होगी, अगर स्लोप मान लीजिए आपकी डिक्रीजिंग होती तो वो डिक्रीजिंग ही होती, ठीक है। अगर मैं यहां पर मान लीजिए ऐसा और आगे बना दूं तो ये स्लोप कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज स्लोप पहले इंक्रीजिंग हो रही है फिर स्लोप जीरो हो रही है, या अगर मैं ऐसा बना दूं तो ये भी स्लोप कांस्टेंट नहीं है, पहले स्लोप आपकी इंक्रीजिंग थी अब क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। तो लीनियर ग्राफ तब बनेगा जब स्लोप आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ओके। तो यहां से हमें एक और क्लासिफिकेशन मिल गया। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, हम लोग क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन पढ़े थे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट के अंदर हमने सबसे पहले पैसिव एलिमेंट के अंदर रजिस्टर को पढ़ा था। तो रजिस्टर के अंदर अब हम अगला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, रजिस्टर का एग्जाम्पल लेते हुए, लीनियर एंड नॉन लीनियर रजिस्टर। तो रजिस्टर लीनियर कब होगा, जब रजिस्टेंस वैल्यू आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। रजिस्टेंस वैल्यू कांस्टेंट होती है तो कौन सा लॉ सेटिस्फाई होता है, ओम्स लॉ सेटिस्फाई होता है। सो यू कैन डायरेक्टली से कि रजिस्टर इज अ लीनियर रजिस्टर व्हेन ओम्स लॉ इज सेटिस्फाइड, ओके। सो अगर हम ग्राफ वाइज बात करें तो आप लीनियर ग्राफ को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर आपकी स्लोप क्या हो, कांस्टेंट हो, ये जो आपको दिख रहा है स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। और सेकंड तरीका क्या है आपका, कि जो आपकी स्लोप है, जो आपका ग्राफ है, वो ओरिजिन से पास होना चाहिए, यहां पर आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, ओके। सो लीनियर रजिस्टर का जो ग्राफ होगा, या किसी भी लीनियर ग्राफ के लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो स्लोप कांस्टेंट होगा और दूसरा स्लोप या ग्राफ जो है आपकी वो ओरिजिन से पास होगी, ओके। सो सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारा क्लियर होता है यहां पर लीनियर एंड नॉन लीनियर रजिस्टर का, ओके। अब अगर मैं रजिस्टर का एग्जाम्पल लेते हुए ही अगर अगला क्लासिफिकेशन देखो, जो कि आपका होता है बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट का, ओके। सो यहां पर बाइलेटरल एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, बाइलेटरल एलिमेंट आपके वो एलिमेंट है जिसमें आपके दोनों डायरेक्शन ऑफ करंट में, दोनों डायरेक्शन ऑफ करंट में आपकी जो एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है वो क्या रहती है आपकी, सेम रहती है, ओके। सो बाइलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट की अगर बात करें तो बाइलेटरल मींस इन बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट प्रॉपर्टी विल रिमेन सेम। यूनिलेटरल क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन के लिए एलिमेंट प्रॉपर्टी सेम नहीं रहती, एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स एक डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए अलग होगी, सेकंड डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए डिफरेंट होगी, ओके। सो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं यहां पर बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट्स का, तो वो क्या होगा आपका, जैसे सपोज करो मैं रजिस्टर का एग्जांपल लेता हूं, ओके। सो सपोज करो यहां पर मैंने रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया वी, और यहां से करंट फ्लो हो रही है आई, प्लस से करंट फ्लो होती है हमेशा, ओके। सो यहां पर आई जो हो रही है वो आपकी लेफ्ट टू राइट की तरफ फ्लो हो रही है रजिस्टर के अक्रॉस। नाउ मैंने एक और रजिस्टर लिया सेम वैल्यू का आर, उसके अक्रॉस फिर से मैंने वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया, अगेन करंट आपकी प्लस टर्मिनल से निकलेगी, लेकिन यहां पर मैंने क्या किया है, पोलैरिटी जो है आपकी वोल्टेज सोर्स की वो चेंज कर दी है, ओके। सो करंट आपका रजिस्टर के अक्रॉस कैसे फ्लो हो रहा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहां पर कैसे फ्लो हो रहा था, फर्स्ट सर्किट में लेफ्ट टू राइट, सेकंड में हो रहा है राइट टू लेफ्ट। तो क्या करंट के लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट फ्लो होने से क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई चेंज आ जाएगा,
क्या रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज आएगा? नहीं, सिर्फ उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी पोलैरिटी में चेंज आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी या रेजिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसका मतलब जो रजिस्टर है आपका वो कौन सा एलिमेंट है? आपका बाइलेटरल एलिमेंट है। ओके, क्योंकि फॉर बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी विल रिमेन सेम। ओके, नाउ अगर मैं यूनिलेटरल का एग्जांपल लूं, तो यूनिलेटरल का एग्जांपल जैसे सपोज करो मैं डायोड लेता हूं, तो अगर अगेन डायोड के अक्रॉस अगर एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करूं वी, और अगेन प्लस टर्मिनल से आपकी करंट फ्लो हुई, नाउ फिर से मैं सेम डायोड लेता हूं और एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करता हूं, ओके, बट इस टाइम मैंने क्या कर दी, पोलैरिटी को चेंज कर दिया, तो अगेन आपकी आई प्लस टर्मिनल से निकली। हम जानते हैं डायोड में ये क्या होता है, प्लस एंड दिस टर्मिनल इज माइनस, अगेन प्लस माइनस। सो हम जानते हैं अगर करंट जो है वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होती है तो डायोड क्या होता है आपका, फॉरवर्ड बायस। जब करंट जो है वो माइनस से प्लस की तरफ फ्लो होती है तो डायोड क्या होता है आपका, रिवर्स बायस। सो अगर आप देखो करंट के डायरेक्शन चेंज होने से डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉपर्टी है, वो चेंज हो रही है। एक तरफ जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है, एक तरफ जो है वो क्या है, रिवर्स बायस है। ओके, सो जो डायोड है आपका वो क्या कौन सा एलिमेंट होगा आपका, डायोड होगा आपका यूनिलैटरल एलिमेंट, और जो आपका रजिस्टर था वो कौन सा एलिमेंट था आपका, बाइलेटरल एलिमेंट। ओके, सो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, एक और क्लासिफिकेशन हमें क्लियर हो गया रजिस्टर का एग्जाम्पल लेते हुए, बाइलेटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट। ओके, सो अभी तक अगर हम देखें तो हमें तीन तरह के क्लासिफिकेशन क्लियर हैं। एक है आपका एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव क्या थे आपके, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। पैसिव क्या है, जो एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था आपका, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर हमने रजिस्टर का एग्जाम्पल लिया था, अगर रजिस्टर जो है ओम्स लॉ सेटिस्फाई करता है तो लीनियर होगा, अदरवाइज क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमने क्या देखा, बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल, जो हमने अभी अभी देखा है। ओके, सो इन क्लासिफिकेशन से ईएस के एग्जाम में कभी कभी कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज करो मैंने ऐसा कोई ग्राफ बना दिया, ठीक है, वी दिस इज योर आई, सपोज करो अब आपका यहां से एक ग्राफ है, एक स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप है, और इस ग्राफ को देखकर हमसे पूछा गया है कि ये ग्राफ जिस एलिमेंट का है क्या वो एलिमेंट एक्टिव है कि वो पैसिव है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि क्या वो एलिमेंट लीनियर है या वो एलिमेंट नॉन लीनियर है, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्या वो एलिमेंट बाइलेटरल है क्या वो एलिमेंट यूनिलेटरल है। ये तीन क्वेश्चन के आंसर हमें करने हैं, ठीक है। एग्जाम में तो कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बट हम लोग तीनों का एनालिसिस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो है, और यू कैन से जो सेकंड है, लीनियर और नॉन लीनियर, उसका एनालिसिस आप ऑलरेडी कर चुके हो। मैंने क्या बोला था, लीनियर कब होगा एलिमेंट, जब आपका जो स्लोप है वो कांस्टेंट होगी, यहां पर स्लोप आपकी इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है। सेकंड क्या बोला था, ग्राफ शुड पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया कि ये आपका कौन सा है, लीनियर है, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं एक्टिव और पैसिव की, तो एक्टिव और पैसिव के लिए ग्राफिकल मेथड में आपको मैंने कोई रूल नहीं बताया है कि ग्राफ के थ्रू कैसे पहचानोगे एक्टिव है कि पैसिव है। तो जो एक्टिव पैसिव के लिए अगर हम लोग कोई रूल सेटअप कर लें, तो जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपको ग्राफ में क्या देखना है, वी बाई आई देखना है। अगर जो आपका वी बाई आई है अगर वो ऑल द क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है तो आपका एलिमेंट जो है वो हर हाल में पैसिव होगा। अगर वो किसी भी एक क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो एलिमेंट आपका क्या होगा, एक्टिव होगा। मतलब क्या है कि अगर सभी में पॉजिटिव है तभी पैसिव होगा, लेकिन अगर किसी एक में अगर नेगेटिव हो गया तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब इस ग्राफ को देखें, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, तो वी और आई दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, और यू कैन से वी अपॉन आई, दोनों के दोनों आपके क्या है यहां पर, नेगेटिव है, तो आपका जो v बटे आई है वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो यहां पर अगेन अगर दोनों ही क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव है तो आपका एलिमेंट क्या होगा, आपका पैसिव हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट अबाउट बाइलेटरल और यूनिलेटरल एलिमेंट। अगर मैं बात करूं बाइलेटरल एलिमेंट्स की,
ओके. सो बाइलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हेन बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट प्रॉपर्टी विल रिमेन सेम. यूनिलैटरल क्या होते हैं? व्हेन दोनों डायरेक्शन के लिए एलिमेंट प्रॉपर्टी क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट हो. ओके. सो यहां पर अगर हम देखें क्लियरली, तो यहां पर आप देखो ग्राफ को, ग्राफ आपके दोनों क्वाड्रेंट में क्या है? आपका सिमेट्रिकल है. जो ग्राफ आपका इस क्वाड्रेंट में है वही ग्राफ आपका अपोजिट क्वाड्रेंट में है. ठीक है. तो बाइलेटरल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपका ग्राफ क्या हो? सिमेट्रिकल हो इन अपोजिट क्वाड्रेंट. तो यहां पर हमारा जो ग्राफ है वो अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है? बिल्कुल सिमेट्रिकल है. तो आपका ये एलिमेंट क्या होगा? बाइलेटरल होगा. ओके. क्लियर है यहां तक आपको? ठीक है. अब अगर मैं एक और एग्जांपल कंसीडर करूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे सपोज करो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं वी आई, कुछ इस तरह का एग्जांपल मैंने लिया. ओके. सो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपकी जो स्लोप है वो यहां पर आपकी कांस्टेंट नहीं है. स्लोप जो है पहले क्या है आपकी? जीरो. फिर क्या है? इंक्रीजिंग. और ये क्या है आपकी? फिर से जीरो है. तो ये जो एलिमेंट होगा वो हर हाल में क्या होगा? आपका नॉन लीनियर होगा. ये फर्स्ट चीज सेटिस्फाई हो गई हमारी. सेकंड अगर हम देखें एक्टिव और पैसिव की, तो ये जो आपका ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में है. ओके. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी और आई दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में वी और आई जो हैं दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव फिर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो क्या हो जाएगा ये आपका? पैसिव. थर्ड अगर हम बात करें बाइलेटरल और यूनिलैटरल की, सो जो आपका बाइलेटरल होता है वो क्या होता है हमारा? कि बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरेक्टरिस्टिक शुड रिमेन सेम. ओके. सो यहां पर फिर से हमें क्या देखना है ग्राफ में, कि अगर दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ बिल्कुल आइडेंटिकल है, जो कि है, देख सकते हैं आप बिल्कुल सिमेट्रिकल है ओरिजिन के ग्राफ, तो क्या होगा आपका? बाइलेटरल. सो ये आपका अगेन क्या होगा? बाइलेटरल होगा. देख लो आप यहां पर आपका ग्राफ जिस तरह से बना हुआ है बिल्कुल सिमेट्रिकल आपका यहां बना हुआ है, तो ग्राफ आपका क्या है? बाइलेटरल है. एलिमेंट क्या है आपका? बाइलेटरल एलिमेंट है. ओके. सो लास्ट टू ग्राफ से क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट आपका लीनियर होगा वो हर हाल में बाइलेटरल होगा, क्योंकि जो लीनियर होगा उसकी स्लोप क्या होगी? कॉन्स्टेंट होगी. तो जो वो इस क्वाड्रेंट में है वो सेम वो अपोजिट क्वाड्रेंट में होगा, देख सकते हो आप लोग. ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है आपका ग्राफ क्या होगा? सिमेट्रिकल भी होगा दोनों क्वाड्रेंट में. तो जो लीनियर है वो हर हाल में क्या होगा आपका? बाइलेटरल होगा. तो अगर आपने लीनियरिटी चेक कर ली है तो बाइलेटरल चेक करने की जरूरत नहीं है, आप श्योरिटी से बोल सकते हो अगर लीनियर है तो बाइलेटरल होगा ही होगा. बट अगर मैं सेकेंड ग्राफ की बात करूं, तो यहां पर बाइलेटरल तो था बट लीनियर नहीं है. ठीक है. तो इसका क्या मीनिंग है कि जो एलिमेंट लीनियर है वो हर हाल में बाइलेटरल होगा, बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू. ओके. क्लियर है यहां तक आपको? ठीक है. तो ये कुछ ग्राफिकल एग्जांपल्स हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए कि अगर कोई भी ग्राफ किसी एलिमेंट का दिया है तो हाउ वी कैन से दैट द एलिमेंट इज लीनियर और नॉन लीनियर, एक्टिव और पैसिव, और बाइलेटरल और यूनिलैटरल. ठीक है. मैं फिर से एक बार क्विक रीजन आपको दे रहा हूं. लीनियर नॉन लीनियर के लिए आपको क्या करना है? ग्राफ शुड ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड स्लोप शुड बी कॉन्स्टेंट. ठीक है. एक्टिव पैसिव के लिए क्या करना है आपको? अगर वी अपॉन आई बोथ द क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो क्या होगा? पैसिव. अगर किसी एक में भी नेगेटिव है तो क्या होगा आपका? एक्टिव. ओके. बाइलेटरल यूनिलैटरल के लिए क्या करना है आपको ग्राफ में? कि अगर आपका दोनों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट में, ये आपको ध्यान रखना है, अगर दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ सिमेट्रिकल है तो हमेशा क्या होगा? बाइलेटरल, अदरवाइज यूनिलैटरल. ओके. क्लियर है यहां तक आप लोगों को? ठीक. सो नेक्स्ट जो हमें रजिस्टर के अंदर पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन. ओके. सीरीज एंड पैरेलल बहुत ईजी होता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं. If two or more than two registers are in series, then क्या होता है आपका equivalent register? क्या होता है? R is equal to R1 plus R2. If two or more than two registers are in parallel, then क्या होता है equivalent आप लोगों का? 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 and so on. अगर more than two register होंगे आपके तो. ठीक है. ये फॉर्मुलेस बहुत इजी हैं, हम सबको पता होते हैं, लेकिन होता क्या है जब हम डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तब हमसे हो नहीं पाते हैं सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल.
तब हमें वो डिफिकल्ट लगने लगते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हमें ये सब तो पता होना ही चाहिए जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, कि सीरीज़ में आपका करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये सब चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा एक बेसिक लेमैन लैंग्वेज में हमें याद होना चाहिए या पता होना चाहिए या कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सीरीज़ में क्या आइडेंटिफाई हम करें तो हमें पता चल जाएगा कि सीरीज़ है, या क्या आइडेंटिफाई कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि पैरेलल है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम दोनों रजिस्टर के दोनों तरफ एक एक पॉइंट बना दें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये पॉइंट है ये आपका शॉर्ट सर्किट है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था शॉर्ट सर्किट का, व्हेन नो एलिमेंट इज कनेक्टेड देन शॉर्ट सर्किट। ओके, तो ये शॉर्ट सर्किट है, माने दोनों के एक एक पॉइंट क्या है आपके सेम। मैंने आपको कहा था शॉर्ट सर्किट में पॉइंट चेंज नहीं होता, तो यहां पर अगर दोनों रजिस्टर का एक पॉइंट खाली सेम हो और बाकी दूसरा पॉइंट सेम ना हो तो हमेशा क्या होगा, सीरीज होगा। यह आपको बड़े बड़े सर्किट में आइडेंटिफाई करना है। सेम वैसी अगर आप पैरेलल में दोनों रजिस्टर के दोनों तरफ एक एक पॉइंट ड्रॉ कर दो तो आप देख सकते हो यहां पर ये शॉर्ट है, माने दोनों पॉइंट क्या है आपके सेम है। अगेन ये शॉर्ट है तो दोनों पॉइंट आपके क्या हैं, सेम है। ठीक है, तो अगर दोनों रजिस्टर के दोनों पॉइंट सेम हो तो ऑलवेज वो किस में होगा आपका, पैरेलल में होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बड़े बड़े सर्किट्स में कि सर जो रेजिस्टेंस है आपके वो सीरीज में है कि वो पैरेलल में है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमें रजिस्टर में पढ़ना होता है वो क्या पढ़ना होता है हमको, कि रजिस्टर आपका जो है वो स्टैटिक एलिमेंट है। मींस इसका मीनिंग क्या है, स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, कि जब भी रजिस्टर को वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स से जो एनर्जी या जो पावर मिलता है वो उस पावर को हमेशा क्या करता है आपका, अब्सॉर्ब करेगा। ओके, देन उसके बाद वो उस पावर को डेसिपिएट कर देता है। ओके, मींस वो उस पावर को कभी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं करता, जो कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर करते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो वो दोनों आपके डायनेमिक हैं। लेकिन रजिस्टर क्या करता है, उस पर स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं होती, दैट्स वाई जो रजिस्टर है आपका वो क्या है, स्टैटिक है। ओके, क्लियर है यहां तक? तो ये आपकी रजिस्टर की बेसिक थ्योरीज थी, जो हम आगे जाके और भी थ्योरी पढ़ेंगे रजिस्टर की, लेकिन इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए आगे का टॉपिक्स पढ़ने के लिए। ओके, तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, रजिस्टर के अंदर सीरीज एंड पैरेलल के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओके, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीरीज एंड पैरेलल के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ओके, गुड बाय।